हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारूट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करें, इस एनर्जीज में क्या फील करें, वो जानने की कोशिश। आज बहुत ही स्पेशल डेट, 22 फेब 2022, 6th टाइम इफेक्ट ऑफ नंबर 2। इमोशंस पे कितना गहरा असर, क्योंकि 2 नंबर, 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी में, और मून इज़ अबाउट इमोशंस। इमोशंस पे काफ़ी गहरा असर करने वाला है, फिर वो आपके भी हो या उनके भी हो। इमोशंस सब टाइप के होते हैं ना, प्यार के भी होते हैं, गुस्से के भी होते हैं, केयर के भी होते हैं, सब टाइप के। वो इमोशंस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्टेड लग रहे हैं, और काफ़ी सारी मिक्स वाइब आ रही है, लेकिन दो स्ट्रांग वाइब ज़्यादा आ रही है जो इमोशंस में है। एक तो एक इमोशनल एंगर और एक इमोशनल का कंट्रोल छूटना, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, लाइक ना एंगर या फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और एक तरफ एक इमोशंस का कंट्रोल नहीं है, कि एक डेस्परेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। दो अलग अलग वाइब्स आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा लग रहा ना कि हर वाइब आपकी तरफ आ रही है, लाइक घूम फिर के यहाँ पे ही सब कुछ रिटर्न आ रहा है, जैसे लौट के बुद्ध घर पे आए वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी कि रीडिंग्स में क्या आ रहा है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रिचुअल्स कंप्लीटेड हैं, जब भी मैं फ्लेम जलाऊँ आप फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, और उनके ऊपर आपके पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, और उनका एक हंसता मुस्कुराता चेहरा या उनके साथ बिताए एक खूबसूरत पल याद कीजिए, ताकि आपको एनर्जी जानने में आसानी हो। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, इमोशंस में लाइक ना एक क्लैरिटी है, इमोशंस पे क्लैरिटी है। जो भी सवाल है ना, बहुत सारे भी हैं, लेकिन जैसे कि उनके जवाब मिलते जा रहे हों बहुत ज़्यादा। इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे, इमोशंस आर रनिंग हाई, वो जो मोनोलॉजी में कार्ड है ना, वैसे वाली फीलिंग है। ये काफ़ी अरसे से अपने जैसे गुस्से को, अपनी जैसे फीलिंग्स को ना बहुत कंट्रोल में किए हुए थे। ये जो कंट्रोलिंग फीलिंग है ना, वो अभी जैसे ना बांध टूटने वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और ये कनेक्शन जिस तरह से जो डॉट एक दूसरे को जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है, और ये जैसे ना एक आखिरी पड़ाव की तरफ मूव ऑन हो रहा है, जैसे कि एक रिश्ते में एक जैसे ना क्लाइमैक्स आने वाली हो, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनकी ना इनसिक्योरिटी फील हो रही है अचानक से, जिस तरह से वैक्स छोटे छोटे होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनसिक्योरिटीज़ है, कोई बहुत इनसिक्योरिटीज़। यस, इनका ऐसा लग रहा है ना कि जैसे गुस्सा फूटने वाला है किसी चीज़ के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर, या फिर कोई सच सामने आया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन मुझे लग रहा है ना कि सिचुएशन की वजह से है, कि जैसे कि एक फाइनेंशियल लोडाउन हुआ है अचानक से, या फिर किसी का सच सामने आया है, या फिर ऐसा है कि आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है कुछ भी तरह से, वो एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है।
इनको जो भी अपने लाइफ में जो अभी तक जो चल रहा था ना, एक नॉर्मल सिचुएशन की जो आदत थी, रूटीन थी, उनको पता है कि उनके लाइफ में सब कुछ ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन जो भी था उसमें वो चला रहे थे, उनकी जैसे ना गाड़ी चल रही थी। बट समाओ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है। स्पेशली आपकी मिसिंग एनर्जी है ना, मतलब आपकी एनर्जी फील होना, वो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा एक अजीब फीलिंग दे रहा है, कि अजीब खालीपन दे रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये अचानक से बदलाव क्यों है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं ना, लिटरली आपको जैसे ना गलत मतलब कॉल मैसेज करके या बात करके लिटरली आपको बोल सकते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, कि तुमने ही बोला था ना गलत हो जाएगा मेरे साथ या जो भी है, वैसे वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। इस इनसिक्योरिटीज़ बहुत है, फ्रस्ट्रेशन और एक बिखरी हुई एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है कि संभाल नहीं पा रहे हैं या संभाल नहीं पाएंगे इस एनर्जी या पोर्टल इफेक्ट के बाद। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है, लाइक ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी क्लैरिटी फील हो रही है मुझे, कि जैसे कि बहुत सारे सच सामने आने वाले हैं, खुद के बारे में भी, कि वो इंसान कैसे थे और क्या बन गए हैं। जो धीरे धीरे से सही लग रहा है ऐसे ना, ये बटरफ्लाई बनते जा रहा है, कुछ जगह पे तो सिर्फ फ्लावर्स बन रहे हैं, और इस ये रिश्ते में जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस है वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि आएगी ही, ज़रूर आएगी। काफ़ी इमोशंस है ना, मतलब बहुत डिस्टर्ब फील हो रहा है आज, लाइक एक अजीब सी चाहत है आपके लिए, जैसे कि ना आपके पास आने के बाद भी ना एक गुस्सा निकल सकता है, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा लगे ना कि क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्यों नहीं मिलने आए, क्यों सामने से रिस्पॉन्स नहीं, क्या चल रहा है वगैरह, ऐसे मतलब अजीब सा हंक दिखाने जाएंगे, जबकि ये खुद गायब हुए थे, ये वाली फीलिंग्स है उनको ना अभी जैसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप उनके दिलो दिमाग में क्यों हो। ऐसा लगता है कि आपने कुछ किया है, आपने कुछ किया है वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा उनको फील दे रही है। हालांकि उनको भी पता है कि आप ऐसे नहीं हो, ये जैसे अलग ही फीलिंग है, सोल कनेक्टिंग है, बट समा वो क्यों कैसे क्या, बट बहुत सारे सवाल है, लेकिन एनर्जी एक ही तरफ इशारा करी, जिसके लिए फ्रस्ट्रेशन है, अजीब सा फ्रस्ट्रेशन, अपनी सिचुएशन को मतलब अपने आप को सिचुएशन में हारते देखने का, या फिर कुछ सच्चाई जो सामने आई है उसको समझ ना पाने का, तो कहीं पे आपको ना जैसे खोने का एक डर हो, इनसिक्योरिटी हो, या आपकी एक वाइब नहीं मिल रही हो, वो अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है, अजीब सा खालीपन, और इतनी बेचैनी की एनर्जी है ना कि लिटरली ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग है कि काफ़ी अरसे से भी जो लोग नो कांटेक्ट में थे उनका अचानक से कांटेक्ट होने वाला है इस पोर्टल के इफेक्ट के बाद, क्योंकि एनर्जी मुझे ना इतनी वाइब्स दे रही है ना फ्रस्ट्रेशन की, कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मतलब ये जानना चाहते हैं भाई किसी भी तरह से, रीज़न हो, कुछ बहाने हो, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, और मतलब आपकी किस पहले कैसे ना कुछ भी हो जाए एक कुछ वक्त के बाद, एक कुछ रीज़न से या कुछ तो है, मतलब आपका झुकना था हमेशा, वो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों फील नहीं कर पा रहे वो सब चीज़ें। मुझे लगता है इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी उनकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, मतलब एक्सपेक्टेशन पूरी ना होना, कहीं पे थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशन इनकी तरफ से पूरी नहीं हो रही है, तो कहीं पे उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतर रही है। बहुत ऐसे ना उछल उछल के गए थे थर्ड पार्टी के पास, बट ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ चीज़ें ना वो एडजस्ट नहीं की जा सकती, या बर्दाश्त नहीं की जा सकती, एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, वो बस होती है,
वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा है ना कि जैसे मुझे फील हो रहा है कि जो भी सिचुएशन में है ना, कि वहाँ पे ना वो एक तो बहुत ज़्यादा चुपचाप रहना फील करते हैं या फिर ज़्यादा ही गुस्सा दिखाते हैं। ये पता नहीं एनर्जी है ना इतनी वोलाटाइल है ना, एकदम डेस्परेशन भी फील होता है, इमोशंस पे कहीं भी कंट्रोल ही नहीं है, कहीं फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, कभी डेस्परेशन के इमोशन मतलब अट्रैक्शन के इमोशन पे कंट्रोल नहीं फील हो रहा है, तो कहीं पे मतलब गुस्से पे इमोशन पे कंट्रोल नहीं है। ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा गहरा असर करने वाला है, मतलब हर एक को अपने अपने हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे या सुनने को मिलेगा, लेकिन इनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और ख़ास करके अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया है, आपने उनकी तरफ देखा भी नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, इनफैक्ट अगर आपका यूनियन रियूनियन भी हो गया ना, तो भी मैं मतलब सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इनसे बात करते वक्त संभल करिए। ये मतलब उनका मूड ही कुछ अलग ही लेवल पे जा रहा है, किस बात पे क्या गुस्सा निकालेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे, किसका क्या होगा मतलब बोल नहीं सकते, तो जस्ट बी केयरफुल मतलब उनसे बात करते वक्त। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनको सर पे चढ़ाना है, बट आप खुद जानते हैं कि ये सेपरेशन बहुत बहुत गंदा चीज़ है, लेकिन बहुत कितना बेदर्दी से गुजरते हैं इंसान। तो जो भी रिश्ता है उसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश में है, हम लोग हीलिंग प्रोसेस में है, तो मतलब बेकार में ईगोज़ और मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने बीच में वापस लाने मत दीजिए, ये बात मैं कह रही हूँ। बहुत अलग ही एनर्जी आज, ये जो इफेक्ट है ना पोर्टल का काफी गहरा है, काफी गहरा, काफी गहरा है असर है। तो इसी नोट पे वैक्स रीडिंग यहीं पे बटरफ्लाई तो बन रहा है, मतलब एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और मुझे लगता है ना कि ये अपनी एनर्जी आपके ऊपर भी सेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी अचानक से फील हो सकता है कि बहुत ही मिसिंग, मतलब आपको भी ऐसा लगेगा कि आपने काफ़ी अरसे से अपने आप को संभाला हुआ है, लेकिन अचानक से फील होगा कि आपको रोने का मन किया जा रहा है, बस मिसिंग एनर्जी बहुत है कि बस मन कर रहा है बात करो मिलो। इनको ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि आपसे आके मिलना है, गले लगाना है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। मुझे लगता है कि डेफिनेटली काफ़ी अरसे से जो कांटेक्ट में नहीं है उनका कांटेक्ट ज़रूर होगा, बात भी होगी, और गुस्से की प्यार की मतलब कि इमोशंस का बांध, मतलब सब्र का बांध टूटने की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है, बहुत। इसलिए मैंने कि जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं खुश हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिर भी यही कहूँगी कि आपकी जो भी एनर्जीज है ना उनके ऊपर जब भी स्पेशल डेज होते हैं, जैसे कुछ पोर्टल्स ओपन होना या फुल मून न्यू मून की एनर्जीज, ये सब एनर्जीज की रीडिंग आप ज़रूर देखें, अपनी हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान दें, ताकि रिलेशनशिप और भी मजबूत और गहरा हो जाए, खूबसूरत हो जाए। जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए तो मैं खुश हूँ, लेकिन जिनके नहीं आए उनके साथ ज़्यादा हूँ। और प्लीज़ आप मतलब रीडिंग जब भी आपको लगे कि रेजोनेट हो रही है, आपको लग रहा है कि पॉजिटिव फील करा रही है, तो क्लेम कीजिए रीडिंग्स को, ताकि आपको वो यूनिवर्स की एनर्जी में फील कराने का मौका मिले। वॉर्दीनेस, यस, ये जो फीलिंग है ना मुझे है, मतलब 2-3 दिन से जो रीडिंग में आ रहे हैं ना वो फीलिंग है, वॉर्दीनेस, द रेनबो रिवाइवर, सोलमेट्स, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई दिख रहे हैं आपको काफ़ी अरसे से, काफ़ी अलग तरीके से बटरफ्लाई दिख रहे होंगे। यस, कनेक्शन, तो आपका कनेक्शन होने वाला है, मैसेजेस कॉल आने वाले हैं, कमिटमेंट एंड लव। अभी क्या बोलूँ मैं, ये जो आज की दिन की एनर्जी, आज का जो इफेक्ट पोर्टल की एनर्जी है,
वो बेसिकली ये है, इस जो यूनिवर्स का लव है, यूनिवर्स में जो बनाया हुआ कनेक्शन ही है, यूनिवर्स का डिवाइन कनेक्शन है। और यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कॉल मैसेज आ सकता है, मैसेज एसएमएस आ सकता है, डेटिंग का कुछ प्लान बन सकता है, मिलने चाहते हैं वो, बेसिकली आपको फील करना चाहते हैं, साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या फिर जो भी टाइम स्पेंड किया ना वो बहुत याद करते हैं, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। कोई गाने सुनते हैं आपको याद करके, कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग सुनते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपके पसंद के गाने हों लेकिन आपसे आपको रिलेट कर पाए, आपकी सिचुएशंस को रिलेट कर पाए, आपकी याद को एकदम स्ट्रांग बनाए, ऐसे गाने ज़रूर सुनते हैं, या आपको वो फील होता होगा आपके बीच में जो गाना है वो याद आता होगा। कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, लिटरली कमिटमेंट आ रहा है। ये न्यू मून की एनर्जी है ना, वो भी बहुत असर करने वाली है। आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, स्पेशली 1 सीरीज के, 1 1 111 11 11 स्पेशली। यस, ये जो अंधेरा जो छाया है ना, ब्लैकआउट हुआ है, जो सेपरेशन का ब्लैकआउट, वो अभी कलरफुल होने वाला है। योर लाइफ में जो वो खुशियाँ नहीं थी ना, वो रिटर्न आने वाली है। और बेसिकली ये सब चीज़ें हैं ना, वो मैं जो बता रही हूँ ना, कि आपकी आपकी खुद की वैल्यू है, वर्दीनेस, आपकी जो वैल्यू समझने पर है ना, जब आप खुद समझ रहे हो ना वैल्यू अपने आप की, आप स्ट्रांग बनते जा रहे हो, तभी जाके सामने वाला भी आपकी एनर्जी समझ पा रहा है। आप सिर्फ अपने पार्टनर की बात नहीं कर रहे हो, आप आसपास के लोगों को भी दिखे। जब भी आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट में लगाते हैं, लोग आपको जिस तरह से रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखते हैं, एक खास समझते हैं, वो बात ही कुछ अलग होती है। तो आपके पार्टनर के ऊपर उस चीज़ का कितना असर होता होगा, ये बात आप समझिए। आपकी वैल्यू बहुत समझ लगे कि एक तो आपका दिल इतना अच्छा है, प्यार सच्चा है, सब कुछ है, और उसमें एक अलग ही ऑरा भी आ रहा है। तो मतलब 110,000 लाइक कितने सारे मिलियंस टाइम्स आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक अलग ही रिस्पेक्ट, अलग ही एक यूनिकनेस पैदा हो रही है आपकी, आपके लिए उनके दिल में। इस कनेक्शन तो डिवाइन है, कमिटमेंट, सोलमेट, मुझे लगता है डेफिनेटली मैसेज कॉल तो ज़रूर आएगा, लेकिन हर बात है ना, मुझे लग रहा है ना, ये सोल कनेक्शन बेसिकली कमिटमेंट की तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो ये भले इतना जल्दी ना हो, लेकिन उसकी प्रोसेस स्टार्ट ज़रूर हुई है, प्रोसेस ज़रूर स्टार्ट हुई है। वो धीरे धीरे सही सही वो सब चीज़ें उनमें चेंज हो रही है, आपकी वैल्यू समझना, आपके लिए जो स्टैंड लेना है वो लेना, हर चीज़ जैसे समझाई जा रही है और वो समझ भी रहे हैं। और अगर नहीं समझ रहे तो भाई अल्लाह मालिक है, क्योंकि ये मतलब प्रोसेस जितना वो लोग खुद डिफ़िकल्ट करेंगे ना अपने आप को, मतलब अपने आप को और प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स उनको ट्रिगर दिया जा रही है और वो समझ नहीं रहे, तो चीज़ें वैसे ही होगी। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन एनर्जीज की बात, जो भी एनर्जी मेरे सामने आ रही है उनकी बात कर रही हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये आपके तरफ आ जाए, ये जो दो हंसों का जोड़ा जो सेपरेट हुआ है, बस वो एक मिल जाए एक दूसरे को। तो अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।